आपका इवनिंग अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए। मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। दोनों का थोड़ा सा पतला पैखाना हो रहा है, अभी 11 मंथ दोनों का चल रहा है, तो फिर वैसे ही वो दोनों का पतला पैखाना हो रहा है और फिर वोमिटिंग भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है क्योंकि अभी दोनों का ना टीथ निकलने वाला है। और फिर यहाँ पे छोटी वाली का यहाँ पे 2 निकला है, छोटा छोटा सा टीथ दिखता है बहुत अच्छा सा। फिर जब वो अभी घूमने के लिए गई है बच्ची लोग के साथ, तो फिर वो दोनों आएगी ना तो फिर दिखाते हैं, तो फिर बहुत प्यारा सा है। मैं तो पहली बार ये सब सारा चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, तो फिर मेरे बच्चे पे ही हर चीज़ मैं देख रही हूँ। तो फिर जब वो आएगी तो फिर मैं दिखाती हूँ दोनों का टीथ। बड़ी वाली का अभी तक निकला नहीं है, इस बार भी हमारी छोटी वाली जो है, छोटी वाली मतलब फर्स्ट छलांग लगा रही है और उसका टीथ निकल रहा है और दोनों खड़ी होने तो शुरू हो कर ही दी है। मम्मा दो दिखाओ 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 दांत दिखाओ दांत 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 आई मम्मा फिर से मम्मा आपका कहाँ है, आपका कहाँ है? इसका लेट है थोड़ा सा और ये खड़ी हो गई। दो मम्मा दो ठकाते हैं आप तो ठकाते हैं। दीजिए मम्मा ये वाला लीजिए, ये लीजिए लीजिए दीजिए 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 मम्मा मम्मा दीजिए। मेरी ट्विंस दोनों ना अभी नया नया चीज सीख रही है, लेना और फिर देना भी सीख गई है। यहाँ पे वो दोनों मुझे दे भी रही है और खुद से ले भी रही है। गुड गर्ल गुड गर्ल मम्मा गुड गर्ल गुड गर्ल। अच्छा लो 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 दीजिए मम्मा दीजिए 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 फिर एक ही चीज। चलो ये वाला भी है ना दीजिए दीजिए अब एक्सचेंज हो गया मम्मा। छिप जा छिप जा छिप जा अम्मा ए समृद्धि समृद्धि दांत दिखाने का कोशिश कर रहे थे लेकिन दिखा नहीं छोटी वाली का। और दोनों अभी खेल रही है तो आज दिन भर में बड़ी वाली का सबसे ज़्यादा पोटी हुआ, लगभग 5 बार हुआ।
और छोटी वाली का 3 या फिर 4 बार हुआ। तो फिर मम्मी बोली थी कि ऐसा ऐसा कुछ कुछ प्रॉब्लम होगा। तो फिर पहले पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि नहीं कुछ खिला दिए या फिर कैसे, तो फिर बाद में पता चला कि नहीं दोनों का टीथ निकल रहा है, तो फिर इसलिए इस वजह से वो दोनों का पोटी हो रहा है। जब बच्चे लोगों का दांत निकलना स्टार्ट होता है ना, तो फिर वो लोग ना कुछ भी खा जाती है, मतलब कुछ भी हाथ पे आया ना तो फिर मुंह पे चल जाता है, तो मुंह पे ही वो लोग कुछ भी चीज़ डालती है। तो फिर उसके बाद ना ऐसे मसूड़ा ना वो लोग का टाइट होने लगता है, मम्मी बोल रही थी। तो फिर ऐसे छू करके देख सकते हैं यहाँ पे, तो मसूड़ा जो हम लोग का होता है ना वो टाइट हो जाता है। तो उसके बाद वैसे करके पता चलता है कि नहीं अभी बच्चे को टीथ निकलने वाला है। तो अभी छोटी वाली का निकल गया है, मतलब दोनों निकल गया है, थोड़ा सा इतना तो बढ़ गया है, और बड़ी वाली का अभी नहीं निकला है, बस मसूड़ा उसका टाइट हुआ है, मतलब निकलने वाला है। वो एक कदम पीछे में है, छोटी वाली आगे छलांग लगा रही है। टीथ जब निकलता है ना तो फिर वो लोग को मसूड़ा में थोड़ा सा खुजली टाइप लगता है, तो फिर वो लोग को जो मिलता है ना वो लोग सब खा लेती है, मतलब कुछ भी। तो फिर इसलिए गंदा सब चीज़ सब कुछ वो लोग के सामने बिल्कुल भी नहीं रखना है। और यहाँ पर मैंने ब्रश दे दिया है, और ये तो ब्रश कर रही है बड़ी वाली खुद से, और छोटी वाली जो है वो शैम्पू खा रही है वहाँ पे। दे रही है मुझे, बड़ी वाली कुछ भी पकड़े रहते हैं ना छोटी वाली तुरंत से ले लेती है, मतलब मुझे दो ये मुझे चाहिए, बहुत भयानक है। मतलब छोटी वाली हमेशा छीनते रहती है दीदी को, और दीदी चुपचाप से देखते रहती है। खाने बहुत मजा आता है, बहुत चाव से खाती है ना मम्मा। टमाटर बहुत अच्छा लगता है, हाँ? नहीं फिर नहीं, ऐ ऐ ओ नहीं 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 करा, छोटी वाली ना बड़ी वाली बेटी को ना बहुत परेशान करती है, बहुत मतलब वही थोड़ा सा चंचल भी है ना, तो फिर उसको हमेशा छेड़ते रहती है कुछ भी। ये देखिए आवाज़ दे रहा है, तो वो देख रही है कि नहीं मुझे इस चीज़ से मना किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको वही करना है। जैसे जैसे ये दोनों अभी बड़ी हो रही है, ये दोनों का भी 11 मंथ कंप्लीट हो गया है, अगले मंथ ये दोनों 1 साल की हो जाएगी, और हम लोग मनाने वाले हैं हैप्पी वाला बर्थडे दोनों का, फर्स्ट वाला बर्थडे। और ये दोनों अभी खेलते रहती है खुद में भी, ऐसे दोनों का कुछ भी हो जाता है ना तो बहुत मतलब जी घबरा जाता है कि नहीं क्या हो गया है, या फिर मेरे खाने पीने से वो दोनों का कुछ चीज़ हुआ है कि नहीं, ये दोनों का भी डिसेंट्री हो रहा है ना, दोनों का पतला पैखाना हो रहा है। तो मैं ना सोचने लगी कि मैं मतलब वो दोनों को कुछ मतलब नहीं सूट कर रहा है, वो सब क्या खिला दे रही हूँ मैं। लेकिन बाद में पता चला, मम्मी बोल रही थी कि नहीं जब ये लोग का दांत निकलता है ना तो तब ये लोग का पतला पैखाना होता है, उल्टी होता है। उल्टी ये दोनों का ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब 1-2 बार हुआ है, और फिर ज़्यादा वो दोनों का पतला पैखाना होता है, कभी पतला पैखाना होता है और कभी मोटा होता है। और कुछ देर के बाद मैं यहाँ पे अलमारी से कपड़ा निकाल रही हूँ, और वहाँ पे देख सकते हैं मेरी छोटी वाली जो है वो अपने से कपड़े चुनने में लगी हुई है। यहाँ नीचे पे था ना वो सारा कुछ निकाल दिए, मम्मा मुझे कौन सा कपड़ा पहनूँ। तो ऐसे मेरे छोटे छोटे ब्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।